गुड मॉर्निंग। अभी भी कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो नेम का तरीका होता है फन। गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है। अ वेक्टर क्वांटिटी हैज, जल्दी से मैसेज सेंड करो, बोथ सही गुड। हाँ लेकिन बोलना नहीं, मैसेज करो, इससे प्रूफ भी हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में यूट्यूब में देख लेना कि तुम्हारा जवाब था या नहीं। खुशी, धीरज। के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? नाम बोलेंगे, नाम बोलेंगे, नाम बोलेंगे। प्रज्ञा कुमारी 9B रोल नंबर 29, बताइए। टू मेजर डिस्टेंस विच डिवाइस वी यूज? मेहुल तिवारी 9J, जवाब दीजिए। एक जवाब, ऑक्टोमीटर नहीं होता है जी, ऑडोमीटर होता है, ऑडो। हाँ, ऑडोमीटर। ठीक है, वेरी गुड सुगंध। यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, अरसलन अजाज। हाँ मैसेज करो जिसको आता है। रिटार्डेशन ऑफ, यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, वेरी गुड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। जैसे आपका एक्सेलरेशन, सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इट इम्प्लाइज दैट ऑप्शन ए बॉडी इज एट रेस्ट, मीन्स एट रेस्ट। बी ऑप्शन इज मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। ऑप्शन सी इन एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन। एंड डी इज वेरिएबल स्पीड। बहुत। एक मेरा सवाल है कि यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन होगा कैसे? वेरी गुड, इस सवाल में यही बात है। सिद्धे, बी ऑप्शन नहीं होगा बेबी, सी होगा, इन एक्सेलरेटेड। यहाँ गौर करना है, मैरी गो राउंड मीन्स वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और यहाँ पर आपको कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ है, मीन्स ऑल्दो इट्स स्पीड इज नॉट चेंजिंग बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, एंड सिंस एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। हाँ समीर, गुड। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इन मैरी गो राउंड डायरेक्शन इज चेंजिंग एट इच इंस्टेंट, देयर फोर वी विल से दैट दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये क्वेश्चन,
क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर. द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ साइकिल हाफ अ सर्कल वुड बी. ये ऋषभ म्यूट करो अपने माइक को, तुम्हारा म्यूट माइक ऑन दिख रहा है. ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी है कार डी इज फास्टर देन कार सी. करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? 17 का डी इज फॉर ऑप्शन हमारा है ए. ऑप्शन ए ग्रेटर देन डी. ऑप्शन बी जो है बी स्लोएस्ट है ना. और ये ग्राफ आपका है पोजीशन टाइम ग्राफ है. ठीक. ऑप्शन सी इज डी ग्रेटर देन सी एंड ऑप्शन डी इज सी इज स्लोएस्ट. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी ना बोल रहे हो बी. हाँ बी फॉर बस टू. ठीक है ओके. हाँ सही बात है बी इज स्लोएस्ट है ना. अच्छा ये ऐसा रहता डायग्राम अगर ग्राफ तो बी स्लोएस्ट कहलाता. कहलाता हाँ. इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि जिसका लाइन बड़ा हो गया. याद है हमको कि शुरू जब क्लासिंग हम करेंगे पहले क्वेश्चन पूरा बोल देते हैं और जो डेटा उससे निकलेगा वो भी हम लिख देंगे. द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स कि ब्रेक अप्लाई किया गया है और एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो एक्वायर कर लिया है. इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. इंटू सिक्स और टाइम क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी 4 तो 24 और इधर से 2 3 6 और 2 12. हाँ 2 3 6 यानी 12 माइनस 12 अरे यार 12 मीटर तो टाइम वी हैव टू फाइंड आउट. व्हेन इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर अ वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी. आज एक बच्ची हमको बहुत एक्टिव दिख रही है शायद वो सिद्धि ही है. उसकी आवाज आ रही है सवाल बना. 5 5s वेरी गुड निर्भय. इसमें हाँ जैसे ये भी उपाय ये भी हाँ हाँ ये भी उपाय किया जा सकता था कि t is equal to v minus u by a है. हाँ
एक डबल है और एक सिंगल है, तो वी के जगह 2x, यू के जगह एक्स, तो 2x - x/x/a, यानी सिर्फ एक बार आपको ये इस्तेमाल करना है ना जी।